आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेखा समीकरण पे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि किसी सौदे का, व्यापार में जो सौदे होते हैं उनका लेखा समीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ सौदे हमारी असेट को बढ़ाएंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ सौदे हमारी कैपिटल को हिट करेंगे, तो वही हमें समझना होता है। देखिए कैसे लेखांकन समीकरण के माध्यम से परिसंपत्तियों, असेट, देयताओं, लायबिलिटीज और पूंजी पर प्रभाव बताते हुए स्थिति विवरण बनाइए। ठीक है सर, हमसे मांगा गया है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये लिखा बेटा मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पे लिखा मैंने ए, यहां लिखा एल और यहां लिखा सी। असेट इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले गोविंद ने नकद से व्यापार शुरू किया, तो गोविंद ने व्यापार में कैपिटल लगाया। हमको पता है जो पैसा शुरू में लगाया जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो एक तो कैश के कॉलम में आपको एंट्री करनी है, हाँ सर, और एक आपको कैपिटल वाले कॉलम में एंट्री करनी है। तो 3 लाख रुपए व्यापार में लगाया गया जिसे कैपिटल कहेंगे। चलिए दूसरा सौदा, नकद माल खरीदा। वेल, आप व्यापार करेंगे तो सबसे पहले आप माल ही खरीदेंगे और पैसा आप लगाते भी इसीलिए हैं कि अपन माल खरीद सकें। तो माल खरीदेंगे तो आपका कैश गया और आपके लिए यहाँ स्टॉक के अंदर एंट्री हो जाएगी, 80,000 आपका स्टॉक हो जाएगा। अब कैश हमारे पास अब कम हो गया और हमारे पास स्टॉक आ गया और कैपिटल एज इट इज़ 3 लाख। ये लेक्चर पूरा होते होते आपको लेखा समीकरण काफ़ी अच्छे से आ जाएगी समझ में, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। नकद माल बेचा, 22,000 लागत मूल्य और बेचा है 26,000 में। वेल, हमने माल बेचा है तो कैश आएगा, इसलिए कैश वाले कॉलम में तो प्लस करेंगे, और हमारा माल गया इसीलिए स्टॉक में से माइनस करेंगे। कैश हमारे पास आएगा, स्टॉक हमारा जाएगा, और हमने 4,000 कमाया है, हमने 4,000 कमाया है वो हमारी कैपिटल में जुड़ेगा। ठीक है सर, ये 246,000 हो गया, ये 58,000 रह गया कि सर ये क्या है, स्टॉक बेचा ना तो स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक हमारा 58 रह गया। और जितना पैसा हम कमाते हैं, हम यानी व्यापार कमाता है, वो व्यापारी को मिलता है। एक्चुअली देखिए व्यापारी दुकान लगाता ही इसलिए है कि वो पैसा कमाए, तो दुकान में होने वाली कमाई व्यापारी के खाते में जुड़ेगी। इसके बाद चौथा सौदा कहता है राहुल से माल खरीदा, तो यहाँ पे नाम आया है यानी ये सौदा हमने उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो स्टॉक के अंदर तो माल प्लस होगा, और यहाँ पे दायित्व पक्ष में, देयता पक्ष में एक क्रेडिटर करके कॉलम का जन्म होगा कि हमें ये 50,000 किसी को देने हैं। माल नकद भी खरीदा जाता है, उधार भी खरीदा जाता है, उधार खरीदने पे दायित्व लेनदार का जन्म होता है। ठीक है, भले ही आपका हिंदी मीडियम हो लेकिन आपको इंग्लिश टर्म्स सीखनी पड़ेंगी तो ही आपको अच्छा आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन पे मैंने कुछ वीडियोस इंग्लिश में भी बना रखे हैं, उसमें भी मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, जैसे इस वीडियो में समझा रहा हूँ उतनी ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है, इससे पहले आप चाहें तो तसल्ली के लिए, जैसे इधर का टोटल हो रहा है 354 और इधर का राइट हैंड साइड का भी टोटल हो रहा है 354, तो बीच बीच में आप मिलाते चलेंगे तो ठीक रहेगा। पांचवें में है राम को माल बेचा, इसमें भी नाम आया है और हमने माल बेचा है 20,000 में, लागत मूल्य 18,000। तो हमने माल बेचा तो आपका स्टॉक गया और यहाँ पे डेटर्स का जन्म होगा, इसे हम देनदार कहते हैं। एक्चुअली इससे हम 20,000 रुपये वसूल करेंगे, इससे हम 20,000 वसूल करेंगे और 2,000 रुपये हमारी कैपिटल में जुड़ेगा। इस सौदे में अपन ने जितना पैसा कमाया, हालांकि आप कह सकते हैं सर पैसा हमें मिला ही नहीं, पैसा मिलना ना मिलना अलग बात होती है, पैसा हमने सौदे पे कमा तो लिया है, 2,000 कमा लिया है, सो कैपिटल प्लस हो गई है, क्रेडिटर एज इट इज, डेटर्स के कॉलम का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, एक सेकेंड,
ये प्लस माइनस होना तो हम सीखते ही हैं, लेकिन ये आपको आपके ब्रेन को एक आदत देता है हर चीज के होने वाले प्रभाव को समझने की। आप प्लीज समझिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन चल रहा है, एक सौदा हो रहा है और उसका प्रभाव हो रहा है, पर वास्तविक लाइफ में भी ऐसा ही नहीं होता क्या? हम जो भी चुनाव करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई कोर्स लेते हैं, अपने दो चार घंटे बिताते हैं जहाँ पे भी, अपने हर उस डिसीज़न का हमारी लाइफ पे प्रभाव पड़ता है। कुछ डिसीज़न हमारी लाइफ को अच्छा करते हैं, कुछ डिसीज़न लाइफ को ख़राब करते हैं। तो आपके अंदर उसका प्रभाव आंकने की क्षमता होनी चाहिए। आप कभी लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे स्वस्थ मस्तिष्क। तो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वो माना जाता है जो हो रही चीज़ का प्रभाव समझ सके कि अगर मैं ये सौदा करूँगा, अगर मेरी लाइफ में मैं ये करूँगा तो इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है, उसको समझने की क्षमता हो। ठीक है, तो ये आपको एक उस तरह की नॉलेज देता है। नेक्स्ट, आग से माल नष्ट हुआ। बाय द वे कोई कहे आग से माल नष्ट हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, तो आप देखो कितनी फुलिश बात कर रहे हो आप। तो आग से माल नष्ट हुआ तो आपका माल चला गया। अब इसमें दो मूल्य दे रखे हैं, लागत मूल्य 5,000 और एक मूल्य 6,000 भी दे रखा है। तो आप इसे मानिए कि 6,000 इसका MRP होगा, कि शायद अगर अपन माल बेचते तो 6,000 में बेचते, पर बेच नहीं पाए, उससे पहले ही वो जल गया, तो स्टॉक में से कम हो जाएगा और ये तो नुकसान है। और नुकसान कौन भुगतेगा? व्यापारी भुगतेगा। आप जरा सोचिए, अगर दुकान में आग लग जाए तो नौकर को दुख होगा या मालिक को दुख होगा? हो सकता है नौकर को थोड़ा दुख हो, पर मालिक को तो दुख होगा ही होगा। दुकान में चोरी हो जाए, कौन ज़्यादा दुखी होगा? कौन खाना नहीं खाएगा उस दिन? व्यापारी नहीं खाएगा। तो नुकसान जो होता है वो कैपिटल में से आपको एडजस्ट करना होता है। चलिए, ठीक है, तो आपका स्टॉक कम हो गया, स्टॉक अब 85 रह गया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ओके, ध्यान देंगे, माल 6,000 में बिकता उससे हमें कोई मतलब नहीं, आज की दिन में उसकी एक्चुअल कॉस्ट 5,000 की है, एक्चुअली हमें 5,000 का ही नुकसान हुआ है। तो कैपिटल में से 5,000 नुकसान होगा और 5,000 का माल जल गया, तो स्टॉक में कम कर देंगे। बीच में फिर आप चेक कर लेना, जैसे 246, 266, 271, 351, और ये वाला साइड भी 351 हो रहा है, तो बीच बीच में LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, ये चेक कर लीजिएगा। इसके बाद राम से पैसा प्राप्त हुआ। अब राम कौन है? राम को हमने माल बेचा था, यहाँ पे हमें उससे पैसा प्राप्त हुआ, तो हमारा कैश कॉलम प्लस होगा। वैसे हम राम पे मांगते भी 20,000 थे, तो मतलब उसने पूरे पैसे जमा कराए थे, हो सकता है वो आधे जमा करा था, बट यहाँ राम ने पूरा पैसा जमा करा के अपना हिसाब साफ कर लिया, हिसाब अपना शून्य कर लिया। यहाँ आ जाएगा स्टॉक और यहाँ पे टोटल हो गया 266। चलिए इधर देख लेते हैं, 50,000 क्रेडिटर और 301,000 कैपिटल। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज मजदूरी चुकाई। वेल, जब आप मजदूरी चुकाएंगे, मजदूर को पैसे देंगे तो पैसा गया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, और ये पैसा अब वापस नहीं आएगा। पैसा वापस आएगा होता है तो असेट होता है, लेकिन ये पैसा आपका गया मतलब गया, तो कैपिटल में से लेस होगा। तो इसीलिए दुकान में जितने भी खर्चे होते हैं, टेलीफोन का, लाइट का और भी बहुत चीज़ों का, तो व्यापारी बड़ा परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पैसा एक बार खर्च हो गया तो ये वापस नहीं आएगा। इसीलिए वो खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, काबू करने की कोशिश करता है। बाय द वे, अभी आपका जोड़ 350, दोनों तरफ आपका 350 सेट हो रहा है, बीच बीच में देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज अग्रिम कमीशन प्राप्त किया, ये बड़ा अच्छा सौदा है। एडवांस में कमीशन मिला, यानी हमने कोई सौदा अभी कराया नहीं है पर हमें कमीशन पहले मिल गया है, तो कैश हमारे पास आया है और हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट होगी। इस लायबिलिटी को आप अनअर्न्ड कमीशन बोलेंगे। अर्न्ड वर्ड से पहले अन लगा देना है, अनअर्न्ड कमीशन। आप इसे एडवांस कमीशन भी कह सकते हैं। बिना सौदा किए, सौदा कराए, हमें एडवांस में पैसा मिला है। अब देखिए, दायित्व ये इसलिए है, या तो अब हमें वो सौदा करवाना पड़ेगा, नहीं करवा पाएगा तो रिफंड करना पड़ेगा, ये पैसा हमें लौटाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी साइड को जाएगा। चलिए एक लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, जहाँ लिखा है बकाया किराया।
बकाया किराया मतलब यानी किराया हमें देना था पर हमने दिया नहीं, दिया नहीं तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा इज अ लायबिलिटी। तो आपको लायबिलिटी साइड में एक कॉलम और बनाना है और इस कॉलम का नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी हमने समझो एक बिल्डिंग यूज़ की और उसका किराया 3,000 रुपये हमें देना पड़ेगा। बाय द वे आप सोचो रेंट पे करते तो क्या होता, रेंट पे करते तो हमारा कैश माइनस होता और कैपिटल में से तो माइनस होता ही था क्योंकि ये पैसा हमारा खर्चा है। और अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी आपको कैपिटल को माइनस करना है और आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेंट आउटस्टैंडिंग की वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होगा और ये 3,000 रुपये कैपिटल में से तो कटेगा। ठीक है, रेंट पे करने का असर कैश पे होता है और ना पे करते हैं तो लायबिलिटी क्रिएट होता है। दोनों ही हालतों में बिल तो फटेगा और 3,000 तो हमें देना ही है, खर्चा तो है ही ना, तो कैपिटल में लेस करेंगे। चलिए अब फाइनल स्कोर निकाल देते हैं। 267,000, 85,000 नील, 50,000, 2,000, 3,000 और 297,000। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में ये भी आदत डालिए आप कि यहाँ देखो लिखा है स्थिति विवरण बनाइए, आखिर में आपको अपनी स्थिति को दिखाना है, उसके लिए आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं आपको बना के बता दूँ, अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक है जिसे देखना समझना बनाना आना चाहिए। देखिए आज के दिन हमारे पास कैश है, हाँ 267,000 का, हमारे पास स्टॉक है 85,000 का, और कोई असेट हमारे पास नहीं है, एक था वो शून्य हो गया है, तो 372 का टोटल हो रहा है इस तरफ। आप इधर आ जाइए, इस साइड को बोलते हैं लायबिलिटीज। हमारे पास क्रेडिटर है और वो है 50,000 के, क्रेडिटर है 50,000 के। अनअर्ड कमीशन, कमीशन जो हमें बिना कमाए मिला था उस अनअर्ड कमीशन की राशि है 2,000। उसके अलावा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारे लिए लायबिलिटी है और ये 3,000 है। और लास्ट में आएगा कैपिटल, कैपिटल कैपिटल का साइज़ है आपका 297,000। तो 297, 3,302,352, इधर का टोटल भी 352 है, मैंने गलती से 372 लिख दिया, आप जोड़ेंगे तो 352 आएगा, तो आखिर में आके मैच हो जाएगा। चलिए हो गया है। लेखा समीकरण पे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, हर गुजरते क्वेश्चन के साथ आपकी और क्लियरिटी आएगी। लेखांकन समीकरण पर निम्नलिखित का क्या प्रभाव होगा, 6 पॉइंट दिए हैं। पहला है हरीश ने 180,000 नकद से व्यापार शुरू किया, तो कोई हरीश नाम का आदमी है और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो कैश का फ्लो किधर है, कैश यहाँ से जा रहा है और शॉप के अंदर कैश आ रहा है। सर हरीश के यहाँ से पैसा जा रहा है और शॉप के अंदर कैश आ रहा है और हम अकाउंटिंग इसके हिसाब से करते हैं, तो कैश कमिंग टू द बिजनेस 180,000। अभी हम यहाँ नरेशन या पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पे एक कैपिटल का कॉलम आएगा जहाँ पे 180,000 आएगा कि पैसा आया और ये कहाँ से आया, सोर्स बताता है कैपिटल से आया यानी ओनर ने पैसा लगाया। 60,000 का नकद और 30,000 का उधार माल खरीदा, देखिए बिजनेस करोगे तो माल तो खरीदोगे ना, तो 90,000 का आपने सामान खरीदा। तो आप एक स्टॉक का कॉलम देखो कि आपके पास स्टॉक आया, आपका कैश गया 60,000, ये गया का सिंबल, और 30,000 का माल उधार खरीदा, तो आपके लिए दायित्व का जन्म होगा, लेनदार का जन्म होगा, क्रेडिटर क्रिएट होगा। तो आपको इस तरफ जाना है सीधे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ जाके आपको क्रेडिटर्स क्रिएट करना है इधर पाकिस्तान की तरफ, और 30,000 ये आ जाएगा। चलिए
इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 120,000, यहाँ 90,000, यहाँ 30,000 और यहाँ 180,000। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। आपने 40,000 का माल नकद बेचा जिसकी लागत 24,000 है, तो हमने माल बेचा, माल बेचने पे कैश आएगा, हाँ सर, हमारा सामान जाएगा, हाँ सर, और पैसा कमाया, किसने कमाया? बिजनेस ने, लेकिन बिजनेस चलाता कौन है? स्वामी। तो ये पैसा इसका है, व्यापार पैसा कमाने का एक टूल है, एक जरिया है। बता रहा था कि पैसा कमाने का जरिया होता है बिजनेस, जो भी कमाई होती है वो व्यापारी को बिलोंग करती है, व्यापारी को मिलती है। तो 16,000 आपको कैपिटल में जोड़ने हैं। इस बीच आप अगर अपना कैश चेक करें और स्टॉक चेक करें तो यहाँ पे टोटल हो रही है 226 और यहाँ 30 और 196 के हिसाब से टोटल हो रही है 226। हर पॉइंट के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका लेखा समीकरण मैच होता है। ये वैसे अमेरिकन अप्रोच होती है, असेट और लाइब्रेरीज अप्रोच, बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है। इससे आप अकाउंट जल्दी से समझ पाते हैं। अगर आप ये प्रभाव समझ लेते हैं तो आपको जनरल लिखने में भी बड़ी आसानी रहेगी। एक और है, 5,000 का किराया भुगतान किया और 2,000 का किराया बाकी है। आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि 7,000 रुपये रहा होगा किराया, 7,000 रहा होगा, 5,000 तो हमने दे दिया, तो जितना दे दिया वो कैश में से जाएगा, जितना हमें देना है वो यहाँ पे अपीयर होगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, यहाँ पे अपीयर होगा। और 7,000 रुपये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्च है, व्यय है, और ये आपकी पूंजी को कम करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खर्चा आपकी कैपिटल को काटता है, ख़त्म कर देता है। तो साहब 7,000 रुपये आपकी कैपिटल में से लेस होगा। नया समीकरण में कैश आपके पास 155 है, स्टॉक 66 है, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 एंड कैपिटल 189,000 पे बची है। चलिए इसके बाद है, 50,000 का माल उधार बेचा जिसका लागत मूल्य 38,000 है। आपने सामान बेचा तो आपका सामान गया, आपके पास कैश नहीं आएगा, यहाँ पे एक डेटर का कॉलम क्रिएट होगा जिसे अपन हिंदी में देनदार कहते हैं, ये हमें पैसे देंगे 50,000 रुपये। और इस सौदे पे अपन ने 12,000 कमा लिया है, वो 12,000 हमारी कैपिटल में जुड़ेगा। इस तरह से हमारी कैपिटल 201,000 पे आ जाएगी, क्रेडिटर 30,000 पे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 है, कैश अभी भी 155,000 है उधार सौदे के बाद, और ये हमारा 28,000 बचा है स्टॉक, और डेटर है 50,000। ऐसे ही मैं आपको स्टॉक समझाऊं, हमने सामान खरीदा फिर बेचा फिर बेचा तो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे बेचेंगे सामान ख़त्म होता जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन है, वेतन का अग्रिम भुगतान किया, तो आपने भुगतान किया तो आपका कैश गया, और यहाँ पे एक प्रीपेड सैलरी के नाम से कॉलम क्रिएट होगा। ये सब क्या है? ये आपका असेट साइड है, ये असेट साइड है, और 3,000 रुपये है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके पास फाइनली कैश है 152,000, स्टॉक है 28, तो ये हो गया बेटा 180, 50,000 डेटर है, 230 और 3,000 ये है, तो 233,000 आपका असेट साइड जो है वो है 233,000। इधर से क्रेडिटर है 30,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000 का, और कैपिटल है 201,000 के। तो सच बताऊं तो आपके जो लायबिलिटीज हैं, जो बाह्य दायित्व हैं बेटा, वो आपके हैं 32,000 के, और आपकी जो कैपिटल है वो है 201,000 रुपया, और ये आपका A बराबर L और C के बराबर का जो इक्वेशन है वो मैच होता है। यहाँ पे लायबिलिटीज होता है, यहाँ कॉर्नर पे कैपिटल होता है। लेखा समीकरण हम सब जानते हैं, A बराबर L प्लस C होता है, और ये तो बच्चों वाली बात है कि अगर A बराबर L प्लस C है और अगर आपको L का मान पता करना है तो आप C को इधर भेज दो, इसी तरह अगर आपको C का मान पता करना है तो आप L को इधर भेज दो,
तो कोशिश करके एक फॉर्मूला अच्छे से याद करना चाहिए और फिर से दो तीन चार जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो खुद ही बनाने चाहिए। रादर देन अपन सारे फॉर्मूले याद करें, अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले बना लिया करें। चलिए जी, ओके हो गया है। लेखा समीकरण का एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे और थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। निम्नलिखित से लेखा समीकरण तैयार कीजिए तथा स्थिति विवरण बनाइए। रघु ने 1.5 लाख रुपए नकद से व्यापार शुरू किया। तो एक व्यक्ति है रघु, उसका नाम है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको यहाँ पे लिख देना है जैसे बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे कैश का कॉलम डालना है और वहाँ पे आ गया आपका 150,000, ओके। और इधर कॉर्नर पे जाके कैपिटल कि 1.5 लाख रुपए आया और हमने एक्सप्लेन किया कहाँ से आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज 80,000 का माल नकद और 40,000 का माल उधार खरीदा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, हमने सामान खरीदा तो यहाँ पे स्टॉक के कॉलम में एंट्री आएगी 120,000। आपने सामान कैश खरीदा इसलिए आपका कैश जाएगा, आपने सामान उधार खरीदा इसलिए इस तरफ क्रेडिटर्स का जन्म होगा जिसे हम लेनदार कहते हैं। लेकिन आपको काम इंग्लिश में ही करना है, कॉलम्स इंग्लिश में ही बनाने हैं। ये 40,000 का क्रेडिटर क्रिएट होगा। इस कॉलम में आप ये बताते हैं कि क्या हुआ था, एक तरह से नरेशन। तो आप लिख सकते हैं गुड्स बॉट कि हमने सामान खरीदा था। अब हमारे पास कैश 70,000 बचा है, स्टॉक 120,000 है, क्रेडिटर 40,000 है, कैपिटल 150,000 है। ये 190,000 हो गया, ये 190,000 हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन सेस 75,000 की लागत का माल 20% लाभ पर बेचा, आधा भुगतान प्राप्त किया। अच्छा क्वेश्चन है, 75,000 रुपये की लागत है और 20% लाभ है। 75,000 का 20% 15,000 होता है। तो आपने सामान 90,000 में बेचा, इस 90 में से 45 मिला, 45 बाकी है, ओके। तो 90,000 में से 45,000 हमें मिल गया है। सबसे पहले हमने सामान बेचा, गुड्स बेचा, तो आप स्टॉक में से तो माइनस कर दो। जितना आपने कमाया है उतना आप कैपिटल में प्लस कर दो। जितना हमें मिल गया है वो आप कैश में लिख दो और जितना अभी मिलेगा उसके लिए आप लिखेंगे डेटर्स, या इसे हम कहते हैं देनदार, ओके जी। चलिए, तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड आ जाएगा, हमने सामान बेचा गुड्स सोल्ड आ जाएगा। वेल, अब आपके पास कैश है 1,15,000, स्टॉक है आपके पास 45,000, सेल्स के बाद कम हो गया, डेटर्स है 45, ये है 40, ये है 165। बाय द वे मुझे यहाँ डर लगा कि मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 115 और 45 160, 160 और 45 205 और इधर का साइड भी 205 है, तो ये मैच हो रहा है। तो मुझे तसल्ली हो गई कि मैं सही जा रहा हूँ। वेल, 10,000 का माल 12,000 में उधार बेचा। एक बार फिर आपने सेल किया है, आपका सामान गया है और आपने उधार बेचा है, तो आपके डेटर्स बढ़ गए और 2,000 रुपये आपका कैपिटल में जुड़ेगा। आपने 2,000 कमाया है इसलिए आपकी कैपिटल में जुड़ेगा। हालांकि ये पैसा हमें मिला नहीं है, लेकिन हमने देख के ही सेल किया होगा। अगर उधार बेचा है तो अच्छे कस्टमर को ही सेल किया होगा और ये 2,000 हमें मिलेगा ऐसी उम्मीद है। ये 2,000 हमने कमाया है। कैश 115 ही है इस ट्रांजेक्शन के बाद भी। स्टॉक हालांकि कम हो गया है, डेटर्स बढ़ गए हैं। जितना आप उधार देते जाओगे आपके डेटर्स बढ़ते जाएंगे, उधारी बढ़ती जाएगी। दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं आपका पैसा फंसता चला जाएगा, ओके। अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। किराए के 2,000 रुपये और वेतन के 4,000 रुपये भुगतान किए, तो टोटल हमने 6,000 रुपये दिए। ये कैश में से माइनस होगा और ये पैसा वापस लौट के नहीं आएगा, तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। बेसिकली क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं।
एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किया, ये 6000 वापस नहीं आएगा, इसलिए आपकी कैपिटल को कम करेगा। ओके, इधर कुछ भी नहीं है तो आप सेम कॉपी पेस्ट कीजिए, जहाँ पे भी कुछ भी नहीं है उसको आप सेम कॉपी पेस्ट करते चलिए। अगेन तसल्ली के लिए आप मिला लीजिए, भले 119, 154, 211, 200, अच्छा इधर 201 हो रहा है, इधर 57, 82, 57, 87, 92, 192, वेल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ मुझे गलती दिख गई, 115 में से 6 गया तो 109 होता है। अभी मैच है, लास्ट है, 20,000 लागत का माल 18,500 में नकद बेचा, पता नहीं क्या मजबूरी रही कि इन्होंने माल को सस्ते में बेचा है या नुकसान में बेचा है। तो आपके पास कैश आएगा और आपका स्टॉक चला गया है और आपको 1500 का नुकसान हो गया बेटा, तो ये 1500 लेस हो जाएगा, ठीक है। 161 में से एक चला गया तो 159,500, यहाँ मैं इसको डबल लाइन कर देता हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, 40,000 रुपये। इस लाइन को थोड़ा डार्कन कर देते हैं अपन ताकि पता लग जाए अभी क्वेश्चन, ये असेट्स है, ये लाइब्रेरी से कैपिटल 127,500, 15,000 रुपये, 57,000 रुपये, अगर अपन इन सब का जोड़ लगाएं तो 57 और 15 72, 199,500, यहाँ पे 199,500 हो रहा है और आप इधर भी 199,500 देख पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन या तो मांगेगा या बिना मांगे भी आप चाहें तो एक बैलेंस शीट बना सकते हैं। एक वर्ड होता है बैलेंस शीट, एक वर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हालांकि दोनों में फ़र्क होता है लेकिन इनका परफॉर्मा एक जैसे होता है। बैलेंस शीट के लिए चिट्ठा शब्द आता है, इसके लिए स्थिति विवरण शब्द आता है, कुल मिला के आपकी स्थिति को बताएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बताएगा। यहाँ पे है असेट, आज के दिन बेटा हमारे पास कैश है 127,500, हमारे पास स्टॉक है 15,000 रुपया और हमारे पास डेटर है 57,000, ठीक है जी। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो 199,500 आ रहा है। इधर ये वाला साइड होता है लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिटर, क्रेडिटर बाकी हैं 40,000 के और कैपिटल, ठीक है, कैपिटल है 159,500। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसकी कैपिटल 150,000 थी, अभी इसकी कैपिटल 159,500 है। पहली नज़र में यह सबूत है कि इसने 9,500 रुपये नेट प्रॉफिट कमाया है। जब क्वेश्चन शुरू हुआ तो कैपिटल 150 पे थी, अभी 159,500 है, मीन्स इसने 9,500 नेट प्रॉफिट कमाया है, ऐसे आप कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया है, वेल मैं आपको कहूँगा अगर आपको वीडियोस ठीक लग रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। एक छोटी सी बात और कहूँगा, जैसे क्वेश्चन मैंने हिंदी में बनाए हैं उसी तरह इंग्लिश में भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं ना तो आप ज़रूर से उनको देखिएगा। सारा मैंने उसमें एक्सप्लेन बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही किया है, बस उसमें क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, अदरवाइज फुल एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही किया है, तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए।